नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं साखी के दूसरे दोहे उसको बताने आया हूं। आज हम बात करेंगे दूसरी साखी। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो फिर से कहता हूं, जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कहने का अर्थ यह है, अर्थात कबीरदास जी इनके कवि, इनका कहना है मैं अर्थात अहंकार, मैं अर्थात घमंड, जब तक हमारे अंदर ये मैं नाम की चीज होगी अर्थात अहंकार रहेगा, ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जब मैं था हरि नाही, अर्थात जब तक हमारे अंदर मैं अर्थात अहंकार है तब तक हमें ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकते। अब हरि है मैं नाही, और जब कोई मनुष्य ईश्वर को पाने की कोशिश करता है, अब हरि है मैं नाही, तब घमंड वहां नहीं रहता। कवि उदाहरण देते हुए समझाते हैं और कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, हमारे हृदय को उन्होंने प्रेम गली उसके साथ उसकी तुलना की है, हृदय की तुलना प्रेम गली से की है। कवि कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, अर्थात हमारे हृदय की जो गली है, हमारे हृदय यानी हमारे पास पहुंचने की हमारे दिल में जगह, वो बड़ी पतली है, बड़ी पतली। और वो कहते हैं जिस तरह किसी पतली गली में एक साथ दो लोग नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह हमारी दिल की गली, हमारे मन की गली, हृदय की गली बड़ी ही पतली होती है, बड़ी सांकरी, उसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते। अर्थात वहां या तो ईश्वर समा सकते हैं या तो घमंड समा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग अपने अंदर घमंड रखेंगे तो हम ईश्वर के करीब या ईश्वर को हम कभी नहीं पा पाएंगे, और जब हम अपने अंदर से घमंड को बाहर निकाल देंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात मूल भाव यह है कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। अब अगर कठिन शब्दों की बात करें तो जब मैं था तब हरि नहीं, यहां मैं का अर्थ है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि अर्थात ईश्वर। अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली हृदय की गली, अब दिल तक पहुंचने का मार्ग सांकरी, बहुत पतली, तामे दो न समाही। उसमें समाना, मैं फिर से आपको
समझाता हूं। कवि कहते हैं, जब मैं था हरि नाही, यानी अहंकार जब था ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर है तो अहंकार वहां से भाग गया। प्रेम गली अति सांकरी, यानी हृदय की गली बहुत पतली होती है, जिसमें दो लोग कभी नहीं जा सकते, इसलिए उस गली में एक ही व्यक्ति समा सकता है, उसमें एक ही व्यक्ति समा सकता है, और अगर हम उसमें ईश्वर को समाएं तो हमारा जीवन आगे खुशी खुशी बढ़ सकता है। अहंकारी बनने से हम कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे अगले वीडियो में मैं साखी के तीसरे दोहे के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।